पिछले 3-4 साल तो मैं खेती कर रही हैगी तो पापा नाल मैं छोटे होंदे तो कम करवाउंदी सीगी तो हुण मैं पिछले 3-4 साल तो पूरा कम करवा रही हैगी। प्लस टू तो बाद आईलैट्स की सीगी तो मेरा ऑफर लैटर भी आ गया सी ते मेरा मेडिकल भी हो गया सीगा पर उस तो बाद मैं अपना प्लान कैंसल करता। नरमा कपाह हत्थी कम थी हूँ कम घट के थोड़े जी मशीनरी का युग आ गया वो गुडिया लोग घरों नहीं कढ़ते मैं कहना भी उन्होंने समा बाहर कढ़ो वो समा अगे नो स्ट्रोंग हो कहते ने कि धी ते पुत विच कोई फर्क नहीं हुंदा ते ये गल एक बार फिर साबित कर दिती है पंजाब दे संगरूर दी रहन वाली अमनदीप कौर ने। जी हाँ अमनदीप ने ट्रैक्टर चुक खेत वाह ते खेती करके ये साबित कर दिता है कि पंजाब दियां धीआं सिर्फ चुल्हा चौंका ही नहीं सांभदियां बल्कि लोड़ पैण ते हर काम नूं बखूबी कर लैंदियां ने। दस दिए कि होरना नौजवानों वांग अमन का भी सुपना सी कि वह विदेश जावे जिस दे लई अमन ने आइलट्स की 6.5 बैंड भी ले पर सोच विचारन तो बाद अमन ने फैसला लिया कि वह बाहर नहीं जावेगी सगो अपनी धरती ते अपने लोकां विच ही रहेगी। अमन ने इत्थे रह के अपने पिता की खेती करन विच मदद करनी शुरू कर दिती। अमन 3 सालों तो खेती कर रही है। दस दिए कि अमन पटियाला दे कॉलेज विच फूड प्रोसेसिंग दा कोर्स भी कर रही है। अमन दा कहना है कि उसनु खेती करना चंगा लगदा है अते उसदे पिंड वाले भी उसकी प्रशंसा करदे ने ते हौसला अफजाई करदे ने। अमनदीप कौर, अमनदीप खेती कर रहे हो किन्ने सालों तो कर रहे हो? पिछले 3-4 साल तो मैं खेती कर रही हांगी ते पापा नाल मैं छोटे होंदे तों कम करवाउंदी सीगी ते हुण मैं पिछले 3-4 साल तो पूरा कम करवा रही हांगी। तुहानू कदे पिंड वालां ने नहीं टोकिया भी तुसीं जिहड़ी खेती कर रहे हो ये बंदियां दा काम है तुसीं ये किहड़े काम च पै गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मेरे पिता जी ने भी बहुत मैनू एंड बिल्कुल पुत्ता वांगू रखा है पिंड वासियों नूं भी ये गल पता सीगी तो उन्होंने मैनू कदे नहीं वो किया है तो मैनू समां दी हौसला देंदे ने कि हाँ भी तू जेकर धी है तू तां भी इन्ना काम करदी हैगी। अमन किन्ना पढ़े हुए तो अगे किहड़ी क्लास पढ़ रही हो? मैं हुण बी वोकेशनल फूड प्रोसैसिंग का कोर्स कर रही हाँ गी खालसा कॉलेज च पटियाले तो मेरा फस्ट ईयर हैगा। जिस तरह की थोड़ी उम्र के लड़के ने बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं आईलैट्स कर रहे हैं तो उन्होंने कभी मन किया मैं बाहरले मुल्क जावां उत्थे सेट होवां? नहीं मैं प्लस टू तो बाद आईलैट्स की सीगी तो मेरा ऑफर लैटर भी आ गया सी ते मेरा मेडिकल भी हो गया सीगा पर उस तो बाद मैं अपना प्लैन कैंसल करता क्योंकि इत्थे मेरा ब्रदर चंडीगढ़ स्टडी करता ते वो पापा नाल इन्ना काम नहीं करवा सकता तो मैं उस तो बाद मैं काम करवाउण लगी पापा नाल ते क्योंकि मेरे पिछे पापा कल्ले रह गए सीगे ते मैनूं बहुत खुशी हुंदी है जदों मैं खेतां विच अपना काम करदी हांगी। किन्ने बैंड सी आईलैट्स? मेरे 6.5 बैंड सी। कदे थोड़े फ्रेंड्स ने कहा भी अमन कि खेती कर रहे हैं साडे कोले बाहर आ जा जां आप तो दोबारा मन कीता होवे? नहीं मेरा सारा फ्रेंड सर्कल बाहर सीगा पर मैनूं बहुत कहिंदे सीगे भी कि हाँ तू बाहर आ जा पर मैं कैंसल करता क्योंकि मैं एक गल मेरा डिसीजन वधिया भी सी क्योंकि अज दे टाइम च ना तो उत्थे काम मिल रहेगा ना उत्थे रहण लई हणा रूम वगैरह मिलदे नेगे ओह इनफैक्ट मैनूं कहिंदे ने कि तू बहुत वधिया डिसीजन लैता इत्थे ही रहण दा। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਹਰਮਲਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਮਲਾਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਤੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਲਵੇ 35-37 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੱਦੂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? 20 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਉਮਰ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਠ ਜਾ ਚਲਾਉਣ ਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ।
समाहौसला देंदे ने, कहिंदे ने भी बहुत वधिया। होर भी एक दो कुड़ियां नूं देख के कारां कूरां ट्रैक्टर वगैरह चलाउण लग गईआं। संगरूर तो हरकबल सिंह, हैप्पी दी रिपोर्ट। रूहानी अति काले इलम दी माहिर बेगम रुखसाना जी, एक घंटे दी विच हल, वशीकरण माहिर, पति पत्नी दी विच अणबन, विदेश यात्रा दी विच रुकावट, विआह दी विच देरी, प्यार विआह, प्यार दी विच धोखा खाई प्रेमिका प्रेमी, तुरंत मिलो, तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगे, हर समस्या दा हल 101% गारंटी दी नाल करांगे, काले इलम दा समाधान गारंटी दी नाल कराओ। पुराने तो पुराना जादू जड़ तो खत्म। संपर्क करो 97817 71 820।